से। और भैया एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो बिहार में पूरे देश में एकदम एक मैटर छा गया है, गड़गड़ा दिया है, मैल छूटा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस पर गोल्डन मैन क्या कहने वाले हैं? बिहार का गोल्डन मैन पूरा गोल्डन मैन है, आखिर क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित होने के ऊपर? देखिए, ये तो हमारे गार्जियन सब लोग हैं, हम तो अभी उन लोग के सामने बहुत बच्चा है, जो जो उन लोग आगे करेंगे हमको सब हमारे हमको क्या सारे बिहार आ गया हूँ तरजपाली में, तरजपाली मठ में आ गया हूँ, और यहाँ जो स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आने वाले हैं, और देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुपर स्टार कहिए या सुपर से भी ऊपर स्टार कहिए, और एकदम गोल्ड मैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस चैनल में, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी, दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम दिल से प्रणाम है। भैया क्या आखिर माने अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है तरजपाली में आ रहे हैं, मन में क्या आपका माने भाव चल रहा है भैया उनके प्रति? अब ये कहने की बात नहीं है कि कितना मन विचार माने झूम उठा है, अब क्या माने कोई शब्द नहीं है कि इतना खुश है मन। ये कहने की बात है, ये पूछने की बात है, ये तो आपको लोग बता रहे हैं, पूरा बिहार बता रहा, पूरा बिहार झूम रहा है, ये कहने की बात नहीं है, ये तो अब देखने की बात है। क्या बात है, और देखिए इन्होंने बोल दिया कि कहने की बात है, देखने की बात है, माने मजा आ रहा है, दिल से उत्सुक पूरा बढ़ा हुआ है। अच्छा भैया एक बात बताइए, तरजपाली में आप आ गए हैं और यहाँ पर आए तो काफी व्यवस्था भी देखे होंगे, आते आते आप नजारा भी लिए होंगे, दृश्य लिए होंगे, काफी पंडाल भी बन रहा है, काफी सजावट हो रहे हैं, इसको लेकर मन में क्या लग रहा है, माने किस तरह का व्यवस्था भैया बना हुआ है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, यहाँ का लोगों को उत्साह देख के ये गोल्ड मैन अब इतना खुश है कि मेरे हद से ज्यादा, बहुत लोग खुश है, बहुत यहाँ के लोगों के उत्साह लग रहा है कि मैंने कितना बड़ा खुशी मिला है, ये मैंने कहले की या देखने लायक है। आप इतना चमकते हैं, आप इतना चमचमा रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, सुपर स्टार से भी ऊपर स्टार लग रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है, पब्लिक मेरा जानना चाहती है। यह 14 करोड़ जनता है हमारे बिहार के, जिसमें 13 करोड़ तो हमको प्यार करता ही है, तो जो इतना प्यार मिले, इतना सब कुछ मिले, तो स्वाभाविक है कि खुश रहेगा मन, चमकेगा सारा बिहार। हम क्या चमक रहे हैं, हमारा पूरा बिहार चमक रहा है, हमारा पूरा बिहार चमक रहा है, हमारे लोग चमक रहे हैं यहाँ के, ये कहने की बात नहीं है, जब प्यार मिलेगा तो चमकना तो स्वाभाविक है। लेकिन काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि माने यहाँ पर बिहार में आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और काफी लोगों को टिप्पणी करना पड़ जा रहा है, कुछ गलत न्यूज भी फैल रहा है, इस पर आपका क्या विचार लगता है? काली जान जो संग्रह करही कहे उमापति काहे न मरही। अच्छा, जब हम जानते हैं कि ये रोक नहीं पाएंगे, तो जब अब तो बोल दिया कि काली जान जो संग्रह करही कहे उमापति काहे न मरही, कैसे रोक दीजिएगा? अब जानते हैं कि ये जहर है, जहर खाने से मरना है, तो फिर आप जान के जहर खा रहे हैं, ये रोकाने की बस की बात नहीं है। तो काफी लोग तो सैनिक भी तैयार कर ले रहे हैं भैया, सैनिक तैयार कर रहे, DSS करके कुछ सैनिक इस तरह का माने तैयार हो, आपका मन में क्या लग रहा है, आखिर ये सैनिकों को लेकर के क्या विचार मन में आ रहा है? ये हंसी है, ये हंसने वाली बात है। अब हम बोले कि जाके पहाड़ से टकरा जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? मेरा, पहाड़ का कुछ नहीं होगा। इसी तो हंसने वाली बात है, ये तो बच्चा वाली बात है, मजा लीजिए बस, ओरिजिनल काम तो परसों होगा। जितना लोग है जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, माने बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है हिंदू, देखिये काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस पर माने गोल्डन मैन जो है, गोल्ड मैन कहिए या गोल्ड मैन कहिए, माने जो कहिए आपके लिए कम है, तो इस पर आपका माने क्या लगता है, क्या उत्सुकता है भैया? अपना धर्म का प्रचार करना, लोगों को बताना, सनातनी लोगों को बताना, ये कहीं से गलत नहीं है। क्या चाहते हैं सब लोग कि ये अपना धर्म का बात बता रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ये कहाँ से गलत है? तो लोग तो गलत तो बोलबे करते हैं। ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से ये रीत आ रहा है, ये अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। क्या बात है, कौन है तेरा नाम क्या, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। तो बदनाम करने वाले तो किसी को बदनाम कर देते हैं, उस पे दिमाग नहीं लगाना है, अपना काम करना है,
और कहने की बात रोकने की तो तूफान रुकता नहीं है। आंधी को कौन रोकेगा? वही बात है, आप तो सब जानते हैं। क्या बात है भैया, एक बात बताइए, इतना एक गो दो गो तीन गो चार गो बाप गिनित रह जाइए, लेकिन इतना मानी हाथ में सोना है, अभी अभी हाथ सोना है अभी नहीं, माने इस पहनते हैं तो क्या डर नहीं लगता है भैया? कुछ नहीं डर नहीं लगता, क्या इतना लोग प्यार करते हैं, डरने की क्या बात है? कहीं सोना चांदी आप पहन करके चलते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, डर इतना लोग भाई बंधु मित्र माँ बहने सब इतना प्यार करती है, क्या बात है? इसमें डर लगने वाली कहाँ से बात है? हाँ। जब लोग इतना प्यार करेंगे तो डर कहाँ से लगेगा? चलिए क्या